हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 12th डिटरमिनेंट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर ले और उसके प्ले लिस्ट में क्लास 12th फर्स्ट टर्म के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। हमसे पूछा गया है कि बताओ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है। तो आप जानते हो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स दिया गया है उसके को फैक्टर का ट्रांसपोज करना है। आप जानते हैं को फैक्टर निकालने का क्या तरीका है, जैसे आपका A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने हटा दिया तो क्या मिला 4। तो ये जो 4 है फर्स्ट रो का उसको आप लिख दोगे फर्स्ट कॉलम के अंदर। इसी तरह से आपने देखा सेकेंड है, तो ये दो की पोजिशन क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को रिमूव करो तो क्या बचेगा, थर्ड बचेगा और पोजिशन क्या, फर्स्ट रो सेकेंड, 1 + 2 थर्ड निगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा यहाँ। अब आप देख सकते हो कि 4 - 3, फर्स्ट में ही पता चल गया कि बी ऑप्शन के अंदर फर्स्ट कॉलम 4 - 3 है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको फटाफट चेक करना है। अगर मान लीजिए फर्स्ट कॉलम में 4 - 3 आपका आ रहा है और किसी भी ऑप्शन में 4 - 3 फर्स्ट कॉलम में नहीं है तो वही आपका राइट आंसर है। लेकिन अगर 4 - 3 सारे ऑप्शन के अंदर फर्स्ट कॉलम है तो आप चेक कीजिए सेकेंड कॉलम का भी, और जो कॉमन है उसको छोड़कर आप देख लो कि कौन सा राइट है। तो आपका राइट यहाँ पता चला कि हर ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे कि हर ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या है, पहले ऑप्शन में ही 4 - -3, किसी दूसरे ऑप्शन में नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, बी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो अगले क्वेश्चंस में आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं 4 - 3 ओनली फर्स्ट बी ऑप्शन का पहला कॉलम है, इसमें 4 - 3 है, इसमें 1 - 3 है, इसमें 1 - 3 है, तो आपका राइट आंसर बी आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पूछा गया फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए वेयर ए को, यहाँ भी एडजॉइंट पूछा गया। अब आप देखोगे वन है फर्स्ट रो के एलिमेंट का पहला को फैक्टर निकाल लो और फर्स्ट कॉलम में लिखो। तो ये फर्स्ट रो का अगर एलिमेंट है 1 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रिमूव करो, ये आ जाएगा 5 × 3 = 15, आप यहाँ पे लिख ले 15। सेकेंड का निकालोगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को हटाओ सेकेंड कॉलम हटाओ तो दिस 0 आ जाएगा, तो आपने यहाँ लिख दिया 0। आपने देखा 15 0 15 0 15, सब में 15 0 है। तीसरे का निकालोगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो क्या आ जाएगा 0 - 10, यानी माइनस का 10 आ जाएगा। आपने लिख दिया -10, क्या देखा 15 0 10 15 0 10 एंड 15 0 - 10, तो 15 0 - 10 बी ऑप्शन के अंदर है, लेकिन नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आप सबको भी चेक कर सकते हैं, जैसे आपने चेक कर लिया सेकेंड के लिए, सेकेंड के लिए चेक करोगे तो क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम खत्म, तो आ जाएगा आपका 6 - 12, तो माइनस का 6 आएगा तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा, तो आप देखोगे 6 दिया, बिल्कुल राइट दिया गया है। तो आपका राइट आंसर यही आ जाएगा, बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, ये सारे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ट्रिकी टाइप क्वेश्चंस हैं ये सारे। जैसे ये कह रहा है कि फाइंड एक्स इफ, आपको दिया गया है डिटरमिनेंट इज ए सिंगुलर, कह रहा है कि फाइंड एक्स इफ दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स होने का क्या आपने ट्रिक जाना है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो इजीली, अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे प्रॉपर्टी लगा लो, प्रॉपर्टी लगाने में टाइम और भी आपका खराब हो सकता है। अब डायरेक्ट ये छोटा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो जाएगा, ये -1 और -2 आ जाएगा, तो आपने यहाँ लिख दिया -2। इसके बाद इसकी पोजिशन क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम निगेटिव आएगा तो आपने लिख दिया -2, और इसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दो तो ये -1 - 2, तो -1 और -2 क्या आ जाएगा आपका -3 आपने लिख दिया।
प्लस में आपके पास आ गया एक्स, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटा दो, तो वन माइनस टू, वन माइनस टू क्या होता है, माइनस का वन, एंड दिस इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहीं से पता चल गया आपका आंसर, ये माइनस टू आ गया, प्लस का सिक्स आ गया, और ये माइनस सिक्स जीरो है। माइनस टू प्लस सिक्स क्या होता है, फोर, फोर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या होगी, फोर। तो आपने देखा ए टू वन है, बी टू है, सी थ्री, डी ऑप्शन आपका फोर है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा सिमिलर मैट्रिक्स का तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो। तो डी ऑप्शन बिल्कुल फोर था, ये आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है फोर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। आप देख रहे हो कि ये थोड़े से नंबर्स इसके बड़े हैं और ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक क्या कहता है, ये फटाफट आप ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन में देखोगे कि इसमें जीरो, दो में जीरो है फर्स्ट, अगर दो में जीरो दिया गया तो पहले जीरो पे चेक कर लो। जीरो पे चेक करोगे तो क्या बनेगा, ये आपका जाएगा थ्री, ये आपका जाएगा टू, ये आ गया टू, ये टू आ जाएगा, ये फोर आ जाएगा, और ये आपका है वन। ये क्या आ गया आपका माइनस टू, ये आ गया माइनस फोर, और ये माइनस वन, ये माइनस वन आ गया। अब आपने देखा कि ये हमारा जो दिया गया है ये थ्री है, टू है, टू टू फोर वन, और माइनस टू, माइनस फोर, माइनस वन है। इसका अगर आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, बिल्कुल इजी है डिटरमिनेंट निकालना, तो आप चेक कर सकते हैं इसका डिटरमिनेंट। जैसे आपने ले लिया थ्री, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो जाएगा, तो ये क्या आएगा माइनस का फोर प्लस का फोर, तो माइनस का फोर है और ये प्लस का फोर क्या आ जाएगा जीरो। इसी तरह से आप लोगे माइनस टू, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये आ जाएगा माइनस टू, और ये आ जाएगा प्लस टू, ये भी आपका क्या आ जाएगा जीरो। इसी तरह से अगर आप दो लोगे टू, इसकी पोजिशन क्या है फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो आप देखोगे माइनस एट प्लस एट, ये भी क्या आ जाएगा जीरो। तो ये आपका जीरो आ गया, तो ये बिल्कुल फिट है, ये जीरो वाला आएगा। अब ये जीरो का वन है और यहाँ पे थ्री, आप चेक कर सकते हो कि वन या थ्री में किस पे, अगर जीरो, अगर वन पे जीरो है तो वन पे आ जाएगा ये वाला आंसर, और थ्री पे है तो ये आंसर आ जाएगा। तो चलो चेक करते हैं, हमने पहले वन पे अगर चेक किया तो आप देखोगे कि थ्री माइनस वन क्या आ जाएगा टू, ये आपका टू दे रखा, ये भी टू, ये आ जाएगा टू। फोर माइनस वन करोगे तो ये आ जाएगा आपका थ्री, और ये आपका वन, यहाँ आ जाएगा माइनस टू, दिस इज माइनस फोर, और ये माइनस वन, माइनस वन क्या आ जाएगा माइनस टू। अब आप देखोगे अगर इसका डिटरमिनेंट आपको शो करना है तो आप देखेंगे इसमें कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, यानी कि अगर माइनस टू प्लस टू करोगे तो ये वाला टर्म्स जीरो हो जाएगा और ये भी टर्म्स जीरो हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग टू लेके करोगे तो जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन, सी इज करेक्ट आंसर है, क्योंकि जीरो जीरो पे दोनों में था, वन पे नहीं है तो तीन पे होगा, तो जीरो थ्री आपका राइट आंसर है। चलो इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर आपने देखा ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। फटाफट यहाँ भी चेक करो, अगर आप इसकी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें टाइम और ज्यादा खराब होगा, छोटा क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट यूज करो। टू प्लस एक्स दे दो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो जाएगा, फाइव माइनस टू क्या जाएगा आपका थ्री। फिर आप ले लोगे इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो निगेटिव आएगा, थ्री ले लिया आपने, दिस दिस खत्म, तो यह जाएगा माइनस का फाइव, और यह आ जाएगा आपका माइनस टू, तो ये आपका आ गया माइनस का फाइव माइनस टू एक्स। फिर आप ले लोगे प्लस का फोर, प्लस का फोर लोगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है पॉजिटिव आएगा, तो ये आ जाएगा आपका वन, और प्लस में आ जाएगा एक्स, तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। अब मुझे सॉल्व कर सकते हो, थ्री टू जा सिक्स आ गया, ये आपका आ जाएगा थ्री एक्स, माइनस का प्लस में आ जाएगा आपका 15, और प्लस में आ जाएगा आपका 6, जैसे 15, और ये आ जाएगा आपका प्लस में 4, प्लस में आ जाएगा 4x इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हो 3x और ये 6, 9x, और ये आपका आ जाएगा 3x प्लस में 6, तो 9x आ गया प्लस 13x, ये आपका आ जाएगा 13, ये आपका 6 और प्लस 15, ये आ जाएगा आपका 21 प्लस 4, 25। This equal to zero. अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, माइनस 25/13। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन है, माइनस 25/13, यही आपका राइट आंसर।